बिहार से हटकर झारखंड की, क्योंकि झारखंड में अब जो सस्पेंस है वो ख़त्म होने वाला है। सुपर मंडे का लगातार इंतज़ार हो रहा है। कहा जा रहा है कि जो हेमंत सोरेन हैं, उनके भाई बसंत सोरेन हैं, उनकी विधायकी को लेकर कल कोई बड़ा निर्णय हो सकता है, क्योंकि राज्यपाल का जो मंतव्य है उसका इंतज़ार हो रहा है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने बंद लिफाफे में राजभवन को एक पत्र सौंपा था और उस पत्र को अभी खुलने का इंतज़ार हो रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि कल इसका दिन आ जाएगा। और कल मंडे है इसलिए उसे सुपर मंडे का नाम भी दिया गया है। कहा जा रहा है कल कोई महत्वपूर्ण निर्णय होगा। हालांकि इसमें खनन लीज मामले को लेकर उनके भाई बसंत सोरेन पर भी आरोप लगा है और विधायकी को लेकर यहाँ संकट कहीं ना कहीं गहराया हुआ है। ये बड़ी खबर है झारखंड की अपने आप में, क्योंकि इसको लेकर राजनीति भी चरम पर है। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अगर गलत किया है तो सज़ा तो मिलेगी ही। हालांकि जो महागठबंधन है वो ये कह रहा है कि हम फैसले का स्वागत करेंगे, जो भी फैसला आएगा उसका स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक दिन सुपर होता है, सोमवार ही सुपर समारोह की बात नहीं है। इन लोगों का विषय चुनाव आयोग में विचाराधीन है। चुनाव आयोग जब भी निर्णय सुनाएगी, निर्णय का लोग स्वागत करेंगे। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, किसी का व्यक्तिगत तो संस्था नहीं है, पूरे देश का संवैधानिक संस्था है, एक प्रकार का न्यायालय है, और न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा सर्वोपरि है। अब क्या होगा, एक साथ होगा कि अलग अलग होगा, क्या फैसला, ये तो राजभवन और इलेक्शन कमीशन ही बता पाएंगे, वो हमारे अधिकार क्षेत्र से बिल्कुल बाहर है। देश और राज्य की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वह संवैधानिक संस्था जब व्यवस्था का अवमूल्यन होता है तो उन चीज़ों पर नियंत्रण रखती है। आप सबों के माध्यम से राज्य में जो समाचार आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम विश्वास करते हैं कि संविधान की रक्षा होगी, व्यवस्था का की रक्षा, संचालन के जो संस्थाएं हमारे हैं वह संस्थाओं के माध्यम से निर्णय आएगा। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी के द्वारा या चुनाव आयोग के द्वारा जो भी निर्णय आता है, उस निर्णय के बाद पार्टी नेतृत्व बैठ करके विचार करके और आगे की रणनीति बनाएगी, पार्टी की भूमिका किस रूप में करनी है। तो कुल मिलाकर झारखंड में राजनीतिक पार्टियों को सुपर मंडे का इंतजार है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रांची से आशीष कुमार जुड़ रहे हैं। आशीष, लगातार उस मंतव्य का इंतजार हो रहा है, अब तो इसमें हेमंत सोरेन के अलावा उनके भाई जो हैं बसंत सोरेन, उनको लेकर भी यही मामला है, इस पर भी राजभवन को निर्णय लेना है। बताइए किस तरह का सियासी माहौल है झारखंड में इस समय। जी, तकरीबन 15 दिनों से जो सस्पेंस झारखंड की राजनीति में बना हुआ था, अब वो सुपर मंडे में तब्दील हो गया है। बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मामले में, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में, जहां चुनाव आयोग द्वारा 25 अगस्त को अपनी जो फैसला था वो बंद लिफाफे में राजभवन पहुंचा दिया गया था और अब तक उस पर सस्पेंस बरकरार है। वहीं दूसरी बात आप बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई विधायक बसंत सोरेन की भी जो इसी मामले में जो चुनाव आयोग द्वारा, जैसे कि बातें सामने आ रही है कि चुनाव आयोग द्वारा इनके भी फैसले को राजभवन पहुँचा दिया गया है। हालाँकि अब विपक्ष जो है उसको लेकर साफ तौर पर रणनीति तैयार कर रहा है और सभी को संभावना जताया जा रहा है कि कल सोमवार है और सुपर सोमवार रहेगा। अगर दोनों मामले पर राजभवन से क्या कुछ फैसला आता है उसको लेकर पक्ष जो है पूरी तरह से रणनीति तैयार कर रहा है। हालांकि अंदर खेमे से उनकी बातें जैसे कि पता चल रहा है, हालांकि बड़े नेता जो है वो खुलकर बात नहीं बता पा रहे हैं कि अगर फैसला राजभवन से आता है तो विपक्ष की क्या कुछ रणनीति रहेगी, मगर अंदर खामे से जो है वो पूरी तरह से इंतजार कर रहे हैं राज्यपाल क्या कुछ फैसला लेते हैं और उसके बाद विपक्ष की क्या रणनीति होगी। वहीं आपको बता दूं कि सत्ताधारी भी अब इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीर है। उन्होंने भी, सत्ताधारी ने भी विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए साफ तौर पर उनका कहना है कि हम तो इंतजार कर रहे हैं, अगर अच्छा हो या गलत जो भी फैसला है उसको सार्वजनिक किया जाए, जिसको लेकर राज्य सरकार जो है वो आगे की रणनीति तैयार करेगी। मगर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष जो सपने देख रहा है, मुंगेरी लाल के सपने, जो साजिश रच रहा था, उनको इसलिए घबराहट है कि जो साजिश उनका रच रहा था वो सफल ना हो पाए, उसको लेकर विपक्ष जो है वो परेशान है। राज्य सरकार की जो मंतव्य है राज्यपाल का, वो आखिर इतना लंबा क्यों खिंच गया? पहले से तो खबरें आ रही थी कि फैसले आ गए हैं, निशिकांत दुबे लगातार इसको लेकर ट्वीट करते रहे हैं। हालांकि फैसले कुछ भी हो, लेकिन निशिकांत दुबे उसको सार्वजनिक करने में माहिर हैं। कोई भी फैसला हो उन तक कैसे पहुंच जाता है? देखिए, इसी को लेकर लगातार जो है झारखंड में राजनीतिक
पार्टियां जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। जिस तरह आपने जिस तरह बताया कि निशिकांत दुबे हर मामले को ट्वीट करके जानकारी दे देते हैं, मगर अभी तक किसी भी मामले पर पुष्टि नहीं की गई है। आपको बता दूं कि अभी तक राज्यपाल जो है, हालांकि 6 से 7 दिन वो दिल्ली के दौरे पर गए थे और विपक्ष का साफ तौर पर जो सत्ताधारी थे वो विपक्ष पर आरोप लगा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे थे, केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि राज्यपाल उनसे सलाह लेने गए हैं। हालांकि उनके कुछ मेडिकल काम था, उसके बाद वो रांची लौट गए हैं। रांची लौटने के बाद भी सबको संभावना जताई जा रही थी कि राज्यपाल अब इस मामले को लेकर सार्वजनिक करेंगे, मगर अब कहीं ना कहीं सस्पेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद फिर दूसरा बसंत सोरेन मामला भी, जिस तरह संभावना जताई रही है कि उनके भी मामले को राजभवन पहुंचा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं एक तरफ सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है, मगर वहीं राज्य सरकार अपने कड़े लिबास पे जो विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कह रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल आशीष, तो कुल मिलाकर जो लिफाफा है उसके राज से जो है पर्दा बहुत जल्द हटने वाला है। और इसीलिए हमने, या राजनीतिक पार्टियां हैं लगातार ये कह रही हैं कि कल का दिन बहुत अहम है, महत्वपूर्ण है, और इसे सुपर मंडे का भी नाम दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर झारखंड में सियासत चरम पर है। बसंत सोरेन, हेमंत सोरेन के मामले में कल महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार दिखाएंगे आपको।